हेलो गाइस, कैसे हैं? तो शाम के बज रहे हैं 5। बताइए गाइस, कैसे हैं आप सब? तो गाइस, मैंने आज पहना है जिंक्स, और जिंक्स का ये टॉप पहना है। तो गाइस बताना, मैं कैसी लग रही हूँ? ज्यादा ऐसी अच्छी लगती हूँ जैसे ये है। तो गाइस बताना मैं कैसी लग रही हूँ, और आप सोच रहे होंगे मैं बहुत मोटी हो गई हूँ। तो गाइस, अब थोड़ा मौसम चेंज हो गया है, थोड़ा पैर ठीक हो जाए तो उसके बाद से मैं पार्क जाना स्टार्ट करूँगी। तो जिम जाना तो बेकार है गाइस, मैं आपको बता देती हूँ। जिम से क्या होता है, मैं मोटी नहीं थी इतनी मैं इतनी मोटी नहीं थी, लेकिन ना मैंने क्या करा, शौक शौक में होता ना, जैसे भाई हम भी जिम जिम जाएंगे, देखेंगे अभी जिम में कितना वजन घट जाता है, एक शौक चल जाता है, ठीक है ना। तो कहते ना, कितने ज़्यादा किसी की हिर्स करोगे ना, तो बहुत जल्दी इंसान नीचे गिर जाता है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, शुरू शुरू में मैं जिम चली गई, मैंने 1 महीना किया, ठीक है। उसके बाद ना मैंने छोड़ दिया। अब छोड़ने का रीज़न ये था क्योंकि मम्मी का ऑपरेशन होना था, तो इसलिए मैंने जिम छोड़ दिया था। अब जिम तो मैंने छोड़ दिया, जब मेरे बॉडी फूली है ना, एकदम से पेट वेट बढ़ा है, तो तब से मैंने जाना है कि जिम जाना बेकार है, या तो रेगुलर जाते रहो, छोड़ो नहीं, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, आप रेगुलर जाते रहो तो आपकी बॉडी ठीक रहेगी। जहाँ आपने जिम किया और फिर आपने छोड़ा, तो आपको ना खुद पे खुद दिख जाएगा कि आपकी बॉडी कितना फर्क हो रहा है, आपकी बॉडी में फूलने मोटे होने में। तो बॉडी ना अपने आप फूल जाती है, जो कंट्रोल आती है ना सेविंग बनने, वो एकदम बेकार है। तो ना गाइस, सबसे बढ़िया है पार्क जाओ, वहाँ पे दौड़ो, एक्सरसाइज करो, ठीक है, वो सबसे बढ़िया रहता है। ना तो मोटापे का डर, ना किसी चीज़ का डर। तो गाइस आ जाइए, मैं ब्लैक कॉफ़ी बनाती हूँ, आपको भी पीनी है तो बताना गाइस, ठीक है। अभी मम्मी से पूछती हूँ कि मम्मी चाय पीनी है? मम्मी चाय पिएगी? चाय पिएगी? तो मैं चाय तेरे लिए बनाऊंगी, मैं तो अपने लिए ब्लैक कॉफी बनाऊंगी। तो गाइस, माता मेरी कभी मना नहीं करती चाय के लिए, चाहे सर्दी चाहे गर्मी। उसको तो चाय रेगुलर चाहिए। सुबह में बनाई थी ना हमने सिंगरी की सब्जी, ठीक है, तो शाम को देखूंगी आपके लिए क्या सब्जी बनानी है। गाइस बताना मैं कैसी लग रही हूँ। मैं इसमें तो ना, इस ड्रेस में तो ज्यादा मोटी लग रही होंगी, खैर ना, क्योंकि बहुत दिन बाद मैंने ये पहना है, ठीक है। मम्मी के लिए चाय पी बनानी हो बना रही हूँ, और आपको गए चाय पीनी है तो आ जाइए और पिए पूजा की हाथ की चाय। तो गाइस मैं क्या पीती हूँ, पानी, चाय के लिए पानी तो चाहिए ना। तो गाइस ये थी मेरी गैस, और लेटर पता नहीं क्या हो गया, 1 महीना चला और दूसरे महीने में ना लेटर खराब हो गया। पता नहीं उसको क्या हुआ, लेटर में लोकल था नहीं क्या था। वो जब मैं लाई थी ना, तो उसकी गारंटी दी थी उसने कि मैं गारंटी दूंगी। तो गाइस मेरा मग
मैं तो इसी में पीती हूँ चाय और केरी मेरी कॉफी। तो गाइस सुबह को मुझे चाय चाहिए होती है एक कप, क्योंकि मैं सुबह की जब मेरी सुबह बात होती है वो मेरी चाय से होती है। पहले तो मैं ब्लैक कॉफ़ी लेती हूँ, फिर एक दो घंटे बाद मुझे नहाने के बाद चाय चाहिए होती है, तो मैं एक कप चाय ज़रूर लेती हूँ। अगर मैं चाय नहीं लूँगी तो मेरा सर बहुत ज़्यादा पेन होगा। तो चाहे मुझे शाम को मिले ना मिले या मैं पीऊँ नहीं पीऊँ कोई टेंशन नहीं है। और गर्मी में ना तो सुबह हो या शाम हो तो मैं नहीं पीती हूँ। पता नहीं बाल आ गए हूँ क्या यार, बाल ही था। तो मेरी कॉफी बिना शुगर। पानी गरम कर रही हूँ क्योंकि मुझे मेरी कॉफी के लिए भी पानी चाहिए ना। मैं लाती हूँ दूध। तो गाइस मम्मी की चाय भी मैंने बनने रख दी है। देखो गाइस अब की बार ना क्या पता मेरी मम्मी चलने लग जाए ना, लग रहा है मुझे कि मेरी नाइट रंग लाइट है। कहते हैं इंसान को ना कितना भी पुण्य कर ले ठीक है, उसकी मेहनत का रंग एक ना एक दिन उसको मिलता है। तो गाइस बेटा गया ट्यूशन, वो आएगा 6 बजे और घर में मेरा मन नहीं लग रहा, अकेले में सोच रही हूँ क्या करूँ क्या करूँ, कुछ करने के लिए नहीं है। तो फिलहाल तो क्या कर सकती हूँ ना, फिलहाल तो कुछ करने के मेरे पास है नहीं। कपड़े सोच रही थी मैं मशीन लगाऊंगी, लेकिन ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे के चक्कर में ना पता चले मेरा पैर गया, तो मैं ऊपर उतार चढ़ाव नहीं कर सकती। क्योंकि आपका पता कल रात 5 बजे मुझे इतना पेन हो रहा था ना गाइस, इतना पेन हो रहा था दर्द में, उठते ही मैंने आधी मेडिसिन ली जब मुझे फर्क पड़ा। क्या हुआ था मेरे पैर में, मतलब ठीक हो गया था, चलने लगी थी, दर्द भी नहीं था। कल क्या था, मैं मार्केट गई थी साइकिल के लिए गाइस ठीक है, तो मार्केट में जाके वहाँ पे खड़ा होना पड़ा बहुत देर तक, कम से कम हम वहाँ पे 2 घंटे खड़े रहे ठीक है। फिर वहाँ से हम पैदल पैदल चले, पैर मेरा वहीं पर दर्द कर रहा था। फिर मैंने सोचा नॉर्मली दर्द है, चूल इतना छोटे छोटे दर्द के लिए कि अगर बैठ जाएंगे तो बस हो गया काम। तो मैंने थोड़ा बाम लगा आईडेस लगा लिया था ठीक है। आईडेस लगाने के बाद फिर शाम को मैं नीचे उतरी, उस माल लेके आई, तो 2 बार फिर मैं भाभी के यहाँ चली गई, भाभी के जीने पे 2 चक्कर लग गए ठीक है। फिर मैं वहाँ पे किचन में खड़ी रही ठीक, तो भाई ऑब्वियसली भाई था ठीक है, तो अब जो दीदी आती है किरण दीदी ठीक है हमारे घर पे खाना बनाने के लिए, वो भी वहीं पे बनाती हैं, तो वो लेट आती ठीक है, तो वो उस हिसाब का ना खाना नहीं बना पाती। तो भैया को भूख लग रही थी, मैंने कहा मैं चलो मैं बना देती हूँ कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, इतना इतना से तो खाना बनना है, कितना टाइम लगता है, कुछ काम करने में आदमी दिस्तान तो है नहीं, ठीक है। अब क्या कहते हैं, इतनी भी मतलब सुबह शाम की तो थोड़ी बहुत ठंड है, कुछ दिन की हवा लगी, चली पैर में, पैर से चली, सुबह में भी चली, फिर शायद सुबह मम्मी गई थी तो उसकी वजह से भी मैं थोड़ा चली, तो चलने की वजह से है ना, उस टाइम तक तो पता चला नहीं। अब सुबह 5 बजे इतना तो दर्द हो रहा पैर में, ऐसा लग रहा किसी ने काट दिया, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा, बर्दाश्त नहीं हो रहा। 4:30 बजे करीब है, फिर सोचा थोड़ा बहुत दर्द हो रहा है, चलो यार आई डी एस लगा लेते हो, आराम पड़ जाएगा। आई डी एस लगा लिया, होते होते टाइम में ना 5 बज गए, मुझे नींद नहीं आई। जब मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा, फिर मैंने इसके पापा को उठाया बंसू के, कि मेरे बहुत पैर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो उन्होंने फिर ना मेरे को आधी गोली दी और पानी दिया, फिर 5 मिनट में ना मुझे आराम पड़ा। फिर आपको पता है कि एक बार आँख खुल जाती है तो फिर नींद नहीं आती है, फिर मुझे नींद ही नहीं आई, फिर मैं उठ गई। उठने के बाद फिर मैंने दूध किया गरम, बेटे को रेडी किया स्कूल के लिए, फिर वो स्कूल 8:30 बजे का उसका स्कूल था, पेपर था ना, आज से उसका पेपर शुरू हो गया ना, तो इसी वजह से गाइस फिर सो नहीं पाए। अब दिन में सोई मैं 4:30 बजे की 4:30 बजे की जागी भी तो अब इसलिए नींद तो आएगी, फिर मैं सो गई आज। आज मैंने नहाते टाइम है ना पानी फटकरी डाली, पैर की सिकाई करी, एक ही पैर के खड़े होने की वजह से पूरा मतलब वजन नहीं टेक पा रही मैं, पैर में थोड़ी सी तकलीफ आई, वजन नहीं डाल पा रही हूँ, पर ये है कि थोड़ा सा तो करना ही पड़ेगा, अगर इतना भी मतलब छुई मुई में लेके बैठ जाऊंगी तो बस चल गया काम, ऐसे तो काम चल सकता ना। तो गाइस बताइए आप, शाम के 5 बज गए, चाय पीने टाइम हो गया, हम पी रहे ब्लैक ग्रीन टी। बस यही बात आपसे शेयर करनी थी। फाइनली फाइनली मेरी मम्मी का पैर उठ रहा है, नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा है, तो मैं आपको दिखाती हूँ, चलो। कितना मम्मी पैर ऊपर नीचे हो रहा है, उठ रहा है पैर, उठ रहा है अपना पैर, उठाइयो अपना, उठ रहा है, ऐसे ऐसे नहीं कर, उसको सीधा उठा, ऐसे ऐसे मत कर, हाँ अब घुटना मोड़ियो, थोड़ा मोड़ने की कोशिश करियो, घुटना मोड़, घुटना घुटना, अरे पैर को रख के घुटना नहीं जानती क्या, घोटे को मोड़, हाँ ऐसे ही, पंजा पूरा पूरा बंद कर दबा दिया नीचे, पंजा जमा रखा है पूरा, हाँ पूरा पंजा। तो फाइनली गाइस मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी मम्मी का फाइनली पैर में रिस्पॉन्स हो रहा है और पैर ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है ऊपर नीचे पैर हो रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सच्ची बता रही हूँ, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। तो गाइस बताना मेरा ब्लॉग कैसा लगा, तो अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना और घंटी जरूर दबाना, और ऐसे ही पूजा सैनी का सपोर्ट करते रहना। और मेरा चैनल है, दोबारा मैं बता देती हूँ, कई बार ब्लॉग में बताया भी है, अपने पापा की बिटिया, ठीक है गाइस। तो फाइनली मुझे थोड़ा सा मम्मी ने बताया ना कि पैर उठ रहा है, तो मुझे फाइनली बहुत अच्छा लगा कि मम्मी का पैर अपना आप रिस्पॉन्स हो रहा है, हमें ज़रूरत नहीं हो रही है उठाने की, मुझे टेंशन नहीं होती ना कि मम्मी का पैर नहीं उठेगा यार, नहीं उठेगा नहीं उठेगा, तो फाइनली मम्मी के पैर में रिस्पॉन्स हो रहा है।
ठीक है गाइस, तो मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए और ऐसे ही बने रहिए मेरे ब्लॉग में। बाय बाय।